Hey guys, welcome to Brains की बात और मैं विजयन आ गया हूँ सेक्रेट गेम्स का एपिसोड 2 लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे, देश का उन्नति हो, देश का प्रगति हो, यही हम सब चाहते हैं। और देश के बदलने के लिए हमारा हर किसी इंसान का भी बदलना ज़रूरी है। सो वी कैन टेक अ लिटिल स्टेप कि हम देश नहीं बदल सकता ये कहने से बेहतर है हम खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। सब ये करना लगे तो शायद देश भी सुधर जाए। सो नाउ बैक टू द आवर पॉडकास्ट। एपिसोड 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है पहली वीडियो में और अभी एपिसोड 2 हम लोग बात करेंगे। सो एपिसोड 2 का जो नाम है उसका नाम है सिदूरी। अब सिदूरी का मतलब क्या होता है? सिदूरी का मतलब होता है ऐसी एक ज्ञानी महिला जो बाकियों को, बाकी इंसानों को अनैतिकता मतलब खराब चीजों से सिंपल में बोले तो दूर रखता है। सिदूरी का वो मतलब होता है। और सिदूरी जिससे आया है उसका नाम है गिलगमेश। गिलगमेश का मतलब है शक्ति मतलब पावर और कंट्रोल, इनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल लाना और अश्वत्थामा बन जाना मतलब अमर बन जाना सेम है। मतलब आप ऐसे किसी चीज पे काबू नहीं कर सकते जो हो नहीं सकता। मतलब आप पावर पे काबू नहीं कर सकते, आप इंसान के जीने के ऊपर अमृत पे काबू नहीं कर सकते। तो इसी को लेके शुरू होता है हमारा सेकेंड एपिसोड एंड इट्स इन 1995 पास्ट में, जहाँ पर सुलेमान ईसा को गाइतोंडे ईद के दिन ईदी देता है। और ईदी क्या था? ईदी ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम ईसा का जो करता था वो पुलिस के गिरफ्तार में आ जाता है, जिसका भी चाल गाइतोंडे ही खेलता है। इसकी वजह से न्यूज के सामने ईसा का बहुत सारा काला धंधा सामने आ जाता है और गाइतोंडे केनिया में खुद को फिर से बॉस बनाने की कोशिश करता है और हर तरीके का बिजनेस, ड्रग्स, एनिमल पार्ट्स का ट्रांसपोर्टिंग, स्मगलिंग, सब चीजों में हाथ आजमाना शुरू करता है। यह पर यादव जो रॉ एजेंट है उन्होंने उनकी एक दोस्त के साथ मिलाते हैं गाइतोंडे को, जिसका नाम है विल्सन, और कहते हैं कि ये दोस्त है, कभी भी कोई दिक्कत हो ये हेल्प करेगा। विल्सन अभी तक इतना ही है सेकेंड एपिसोड में। इसके बाद गाइतोंडे सोचता है कि कैसे ईसा को किनिया लाया जाए कि वो उसे मार सके। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि स्पॉयलर्स है बहुत सारा, तो आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाओ पहले देख लो फिर ये वीडियो आके आप चेक करो, और अगर आप देख चुके हो देन हियर इट एंड शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट एंड वील रिप्लाई यू कि हम दोनों को, हमें और आपको कैसा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा था, ये कौन सा चीज हम गलत बोल रहे हैं, आप सही हो, यू कैन शेयर विथ अस। सो ईसा को कैसे लाया जाए किनिया में, ये सोचते हुए गाइतोंडे को पता चला कि ईसा का एक व्हिस्की की कंपनी में, जिसका नाम है जेंटल व्हिस्की, 50% का शेयर है। तो गाइतोंडे कांताबाई से जाली व्हिस्की बनाने का रेसिपी लेता है और जेंटलमैन व्हिस्की की बोतल में डाल के बेचता है, जिसमें गाइतोंडे बोलता है श्योरिटी इतना था कि 10 लोगों से में से 2 लोग तो मरेगा ही। मतलब ऐसे बिजनेस डाउन करके ईसा को लाने का कोशिश करता है गाइतोंडे। और मुंबई से बंटी कैसीनो का कुछ मशीन भेज, जिस मशीनरी से एक गैम्बलिंग कैसीनो खोलता है गाइतोंडे, जिसका नाम देता है कुकू कैसीनो। नैरोबी 1997, 2 साल बाद अल्टीमेटली जाके लोगों को जेंटल व्हिस्की के बारे में पता चलता है और जेंटल व्हिस्की के कारखाने के बाहर प्रोटेस्ट चलता है क्योंकि वो खा के लोग मर रहे थे। और जो
चाहता था गाय तोड़ने वही होता है। और ईसा अपनी कंपनी के बचाने के लिए आ जाता है। इसी बीच गाय तोड़ने भाऊ मुंबई में बस दो ही लोगों को बार बार कॉल करता है। एक है जोजो मस्करेनस, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। जोजो मस्करेनस इज अ बेसिकली डीलर ऑफ प्रोस्टिट्यूट। सो वो ही जमीला को भेजता है गाय तोड़ने भाऊ के पास। और दूसरा है दिलबख्श सिंह, मतलब सरताज सिंह के फादर, जो गाय तोड़ने भाऊ का कॉल नहीं उठाता है। और अल्टीमेटली जब उठाता है तो ये पूछता है कि आप भगवान में विश्वास करते हो? अगर भगवान ही नहीं है तो इंसान के दिमाग में भगवान का आइडिया किसने डाला? अब ये बात है कि हम लोग ये डायलॉग पहले सीजन में सुन चुके हैं। गाय तोड़ने भाऊ सरताज को यही डायलॉग बोले थे। इसका दो मतलब हो सकता है कि गाय तोड़ने भाऊ जो भी बोल रहा है वो सब दिलबख्श सिंह से उन्होंने सुना है, या फिर हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही गाय तोड़ने का तीसरा बाप, मतलब गुरुजी का, पंकज त्रिपाठी का शिष्य था, गुरुजी का कहा हुआ बात दोनों कह रहे हैं। तो अभी ये कौन सा सही है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। और एक चीज हम लोगों ने बोला था कि एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जोजो मस्करेनस के साथ, जिसका नाम था मैरी मस्करेनस, जो नाम अभी तक नहीं दिखाया गया, हम लोगों ने अलग से निकाला था। वो हमें लग रहा है कि जोजो मस्करेनस का बहन है, क्योंकि जब गाय तोड़ने भाऊ बहन की गाली देता है जोजो को, तो जोजो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है बहन की गाली मत देना कभी भी मुझे। इस तरफ ईसा को मारने का गाय तोड़ने फुल प्लान बना चुका होता है। और त्रिवेदी कहता है एक बार गुरुजी से बात कर लीजिए, और गुरुजी मतलब पंकज त्रिपाठी उन्हें कहते हैं कि तुम ईसा को नहीं मार सकोगे। और नेक्स्ट दिन सच में वो ईसा को नहीं मार सके, और उन्हें पता चल गया कि वो मारने वाले हैं ईसा को। ये टिप पहले से ईसा के पास था, और ये और कोई नहीं यादव, मतलब रॉ एजेंट ने ही उसे पहुंचाया था। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉ एजेंट के पास आके उन्हें थ्रेट करते हैं, लेकिन विल्सन यादव जी को बचाते हैं। तब यादव जी एक ही बात बोलते हैं कि तंजानिया में जो अटैक हुआ है उसमें शाहिद खान है, शाहिद खान का हाथ है, और शाहिद खान बहुत बड़ा पंछी है ईसा से भी। ईसा तक पहुंचने के लिए शाहिद खान के रास्ते पहुंचना पड़ेगा। और गाय तोड़ने भाऊ को ये बहुत आश्चर्य होता है कि गुरुजी को सब कैसे पता था। तो वो बहुत ही प्रभावित होता है और त्रिवेदी के साथ चला जाता है गुरुजी के पास। पहली दफा गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का प्रवचन सुनता है गाय तोड़ने, जिसमें गुरुजी चारों युगों के बारे में बात करते हैं। पूरा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देखिए। और गाय तोड़ने भाऊ पहली बार कोई भी रिलीजियस बातों से बहुत प्रभावित होता है। तो सेकेंड एपिसोड में पास्ट का बस इतना ही दिखाया जाता है, और प्रेजेंट का जितना दिखाया गया है वो भी मैं बोल देता हूँ। सैफ अली खान अपने पिता के ड्रॉयर से गुरुजी का आश्रम का एक लॉकेट मिलता है, और वो ये सोचते हैं कि उन्हें जाना चाहिए आश्रम में, और उधर वो जाते हैं। आश्रम में भर्ती होते हैं अपनी खुद का कुछ कॉज दिखा के, और उधर वो जाके मिलते हैं कालकी से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब गाय तोड़ने पहली दफ़ा गुरुजी के आश्रम में जाते हैं क्रोएशिया में, जहाँ से शुरू हुआ था आश्रम, प्रवचन चलने के टाइम पे हम लोगों ने उधर मेलकम को भी देखा और कालकी को भी देखा। तो अभी आगे ये कैसा चलेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना दिखाया गया है। गाय तोड़ने आश्रम जाके कालकी से बहुत सारा बात करता है, उधर कालकी मिलता है और
बहुत तरीके का बात करके बातें निकालने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद बार बार जमीला मतलब जोया से पूछने की कोशिश करता है सरताज मेलकम के बारे में या फिर शाहिद खान के बारे में, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। और धमकी देने के लिए जमीला उर्फ जोया का पाकिस्तानी पासपोर्ट सरताज सिंह लीक कर देता है मीडिया में और कहता है बचना है तो मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसी बीच जिन लोगों को प्रेस से पकड़ा था वो मैप बनाने के लिए, उनसे शाहिद खान का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो बोलता है कि गजाला बीबी कमाती पूरा मुंबई का प्रोस्टिट्यूशन एरिया में, जाओ उधर गजाला बीबी से जाके पूछो, उसके पास शायद शाहिद खान का कुछ सामान हो सकता है। और फिर उधर जाने के बाद गजाला बीबी कहता है कि सामान तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक लड़की है जिसका नाम है नासरीन, वो बहुत दफ़ा उसका किसी क्लाइंट के साथ गई थी, लेकिन लास्ट टाइम जो गया क्या बीमारी लेके आया है कुछ पता नहीं। और सैफ अली खान और उनका दोस्त माजिद जाके जब देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये लड़की न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार है। तो इतना तक ही सेकेंड एपिसोड का प्रोग्रेस है। से अभी तक बहुत मतलब हम लोगों ने ट्रेलर में जितना देखे है एज एक्सपेक्टेड ही दिखा रहा है, कुछ एक्साइटमेंट बड़ा उतना हुआ नहीं है। सो आगे देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे आ जाएंगे आपके साथ डिस्कस करने। सो स्टे विथ अस, सब्सक्राइब अस। अभी हम लोग 10,000 की फैमिली बने हैं आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी साथ रहने से, और यही कोशिश रहेगी आगे की और अच्छे वीडियो बनाएं और हमारा फैमिली बड़ा करने में आप और ज़्यादा हमें हेल्प करें। थैंक यू गाइस, स्टे विथ अस, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर एवरी वीडियो। थैंक यू।